कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस टूडेल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर हैं इंडस वैली साइड मोहन जोदाड़ो में मिला है दिस बियर्डेड मैन इन स्टेटाइट इमेज जोसफ काका बैप्टिस्टा ये प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन होम रूल लोग होम रूल लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट संकोश रिवर बाउंड्री शेयर करती है बाउंड्री बनाती है असम और वेस्ट बंगाल की अलमाटी डैम है कृष्णा रिवर पे त्रिरत्न रत्न ऑफ जैनिज्म है राइट नॉलेज राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट कंट्रीज जो बॉर्डर करती हैं ब्लैक सी उनके नाम हैं रशिया यूक्रेन रोमानिया बुल्गारिया टर्की एंड जॉर्जिया दीज आर सिक्स कंट्रीज आज के सवाल है हु वॉज द फर्स्ट पॉस्ट्यूमस रेसिपियंट ऑफ भारत रत्न बछेंद्री पाल बिकेम फेमस फॉर हर ग्रांड सक्सेस इन द फील्ड ऑफ वॉट चंडीगढ़ वॉज डिजाइन बाय हुम फेमस आर्किटेक्चर हु वॉज अफेक्शनेटली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था सो हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क जेमिनी रॉय इज फेमस फॉर वॉट सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो कैबुलरी है वॉक द टॉक वॉक द टॉक मतलब जो आपने कहा है उसको करके दिखाई वॉक द टॉक टू डू वॉट वन सेट वन कुड डू कन्विक्शन इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ओपिनियन है जेपाडी देट इज हेजार्ड है रिस्क है एक्सपोजर टू लॉस और हार्म कैलस कैलेस अप्रोच है इनसेव है अनकाइंड है क्रूअल है विदाउट सिंपथी और फीलिंग फॉर दी अदर पीपल रिजुवनेट एक जोग्राफी में भी हम पढ़ते हैं रिवर रिजुवनेशन रिजुवनेट का मतलब होता है री स्टोर करना टू अ फॉर्मर स्टेट री एनर्जाइज करना मेक फ्रेश रिफ्रेश करना न्यू अगेन सो दीज आर सम वो कैबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं मिड सी कोलिजन ये एक बोट है जो यहाँ पे कैप्साइज हुई है यहां हम देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी इन दोनों के रोल में क्या डिफरेंस होता है सेंटर फास्ट ट्रैक्स अप्रूवल फॉर मोर वैक्सीन कैंडिडेट्स ये डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन है होल वायरस आर प्रोटीन और वायरल वैक्टर वैक्सीनेशन फेस्टिव मोमेंट्स हैं इंडिया में और स्पाइक इन वायरस केसेस डैम्पन दिस फेस्टिव स्पिरिट स्काइमेट ने फोरकास्ट किया है हेल्दी नॉर्मल मानसून का विल प्रिपेयर अ क्वेश्चन वॉट इज इंडियन ओशन डायपोल आज बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हम जानेंगे विल प्रिपेयर अ नोट उदयपुर इंस्टीट्यूशन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स अनादर बिगनिंग एंड दिस इज अ स्मॉल स्टेप दिस इज इन क्लाइमेट चेंज नॉइज इंडिया रोल एज अ कंडक्टर दिस इज बिमस्टेक बिमस्टेक अभी बहुत ज़्यादा फोकस में आ रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट की विल टॉक अबाउट बिम्स्टेक दैन दिस इज अबाउट ग्लोबल कोऑपरेशन इमीजिएट वक्नेशन सुप्रीम कोर्ट माइग्रेंट चिल्ड्रेन वेलफेयर दिस इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन नोट दिस इज इम्पोर्टेंट टू थाउजेंड एंड फाइव में स्टार्ट हुआ था दिस आई आर वी रायनासोरस का रीलोकेशन आई आर वी ट्वेंटी ट्वेंटी ये कुछ और रायनासोरस रीलोकेट हुए हैं विल टॉक अबाउट दीज पार्क जो हैं असम स्टेट में काजीरंगा हम इसमें ये डिफरेंट इनके जो रीजंस क्या हैं पॉपुलेशन कैसे डिक्लाइन हुआ विल गेट टू नो अबाउट रायनासोरस इन इंडिया वन हॉन रायनासोरस दिस इज डब्ल्यू एच ओ अफगानिस्तान यू एस ट्रूप्स का विड्रॉवल दिस इज ज्वेलरी हॉलमार्क डिनोट क्या करता है दिस इज फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लान्टिस्टर सुशील चंद्रा ट्वेंटी फोर्थ सी सी सागर माला परियोजना दिस इज अ वेरी एम्बिशियस परियोजना विल गेट टू नो सी सेट के सोल्यूशन है एंड सम क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट रेफरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी ये फ्रंट पेज है द हिंदू का थ्री यहाँ पे मिड सी कोलिजन हुआ नाइन मिसिंग एस कंटेनर शिप हिट्स ट्रॉलर ट्रॉलर फिशरीज के लिए ये ट्रॉलर लेके सी में जाते हैं तो वो ट्रॉलर इनका कंटेनर शिप से टकरा गया और उसके कारण ये जो बोट पलट जाती है इसको बोलते हैं बोट कैप्साइज होना रहा ओवर टर्न फिशिंग बोट ऑफ दिस मैंगलुरु कोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे एक्टिव था उसने तुरंत हेल्प प्रोवाइड किया और रेस्क्यू मिशन कंडक्ट किया बोट कैप्साइज हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड ने शिप्स और एयरक्राफ्ट यहाँ पे डिप्लॉय किए और रेस्क्यू मिशन कंडक्ट किया ये जो भी कोस्टल एरिया होता है टेरिटोरियल एरिया होता है इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड हमेशा फर्स्ट रेस्पोंडर होता है लेट इस नो अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड कोस्ट ये इंडिया है ये इंडिया की कोस्ट है सो जो इस कोस्ट पे गार्ड कर रहा है उसको बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड ये एक मैरीटाइम समुद्र लॉ एनफोर्समेंट और सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है ये जूरिस्डिक्शन होता है इसका टेरिटोरियल वाटर में जिसमें कंटिगूअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अब आपने होमवर्क कर रखा है अनकलॉज आपने अच्छे से पढ़ा था यू नो अबाउट कॉन्टिग्यूस जोन यू नो अबाउट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो फॉर्मली एस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट फेब्ररी नाइनटीन में कोस्ट गार्ड एक्ट नाइनटीन में ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जबकि नेवी नेवी किसके अंडर में काम करेगी दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोस्ट गार्ड जो है दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडिशनल डायरेक्टर जनरल है दिस इज डायरेक्टर जनरल अब इनके पास पेट्रोलिंग के लिए मीनिंग देखा था पेट्रोल पेट्रोल मतलब ऐसे निगरानी करना पेट्रोल पेट्रोल के लिए इनके पास है डॉर्नियर टू, टू टू एट लॉ इन्फोर्समेंट कोस्टल पेट्रोलिंग मेरीन बॉर्डर प्रोटेक्शन मेरीन सर्च एंड रेस्क्यू ये सब काम होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर चेतक और ध्रुव भी है इनके पास तो जो नेवी होती है ना, नेवी इज़ मोर लाइक अ फाइटर यूनिट नेवी इज़ टू मेंटेन, ट्रेन इक्व कॉम्बैट लड़ाई के लिए होती है कॉम्बैट रेडी नेवल फोर्सेज और नेवी के थ्रू हम वॉर्स जीतते हैं कोस्ट गार्ड का पहले दफ़े ये काम नहीं होता तो जो नेवी होती है ये डिटर करती है एग्रेशन मेंटेन करती है फ्रीडम ऑफ द सी जबकि जो कोस्ट गार्ड होते हैं इनका काम होता है लॉ एनफोर्समेंट करना सर्च करना रेस्क्यू करना इन द सी तो नेवी का एक ब्रॉडर रोल है नेवी मतलब प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री प्रोटेक्शन ऑफ द सी जो इंडिया का है सी रूट से हर टाइप के एग्रेशन को डिटर करना और जो कोस्ट गार्ड है उसका काम होता है लॉ एनफोर्समेंट करना इस लिमिटेड एरिया में नेवी लॉन्ग ऑपरेशंस भी करेगी वो डीप सी में भी जाएगी कोस्ट गार्ड यूजुअली वहाँ नहीं जाता है कोस्ट गार्ड लॉ एनफोर्समेंट करेगा सर्च करेगा रेस्क्यू करेगा मोस्टली दिन टेरिटोरियल वाटर में और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सो so, इस तरीके से दोनों का पर्पज डिफरेंट होता है दिस इज कोस्ट गार्ड एंड दिस इज नेवी महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन है बिकॉज कोविड नाइन्टीन केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं सेंटर ने इसी बिहाफ में कुछ वैक्सीनेशन को फास्ट ट्रैक अप्रूवल दिया है यहाँ पे ब्रिज ट्रायल्स की बात है जो आगे एडिटोरियल में देखेंगे नोड है फॉर जैब्स डेवलप्ड अब्रॉड इमरजेंसी यूज़ में कंसेंट विल अलाउ बल्क इंपोर्ट तो इससे जो वैक्सीनेशन का थोड़ा शॉर्टेज नज़र आ रहा है वो हम ओवरकम कर सकते हैं फाइजर मॉडर्ना जॉनसन एंड जॉनसन अब ये जो जैसे रशियन को भी अभी मिला था स्पुटनिक दिस वी वैक्सीनेशन के ब्रॉडली चार कैटेगरी हैं आज की डेट में एक है होल वायरस वैक्सीनेशन दूसरी है आर वैक्सीनेशन तीसरी है प्रोटीन वैक्सीनेशन और चौथी है वायरल वैक्टर वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन का काम होता है हमारी बॉडी को ह्यूमन बॉडी को जो अटैक करेगा वायरस जो अटैक करेगा पैथोजन उसके खिलाफ़ एक ट्रेनिंग देना मैच प्रैक्टिस कराना सो so दैट जब एक्चुअल वायरस अटैक करेगा तो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम उस वायरस को वार्ड ऑफ कर देंगे दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ वैक्सीनेशन अब बॉडी को ट्रेनिंग कैसे दें एक ट्रेनिंग तो ये दे सकते हैं कि हम पूरा पूरा जो कोविड नाइन्टीन का वायरस है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएं होल वायरस वैक्सीनेशन इसमें पूरा कोविड नाइन्टीन वायरस वीकन फॉर्म में उसको कमज़ोर कर देंगे और फिर बॉडी में देंगे तो बॉडी उससे फाइट करके इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी तो जब स्ट्रॉन्ग वायरस का अटैक होगा तो बॉडी उसको उससे डिफेंड कर लेगी ऐसी जो वैक्सीनेशन होती है वो कोल्ड स्टोरेज में यूज़ होती है ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है हेपेटाइटिस बी रेबीज पोलियो मीजल्स में हम ये होल वायरस वैक्सीनेशन लगाते हैं एक दूसरा इससे मिलता जुलता होता है वो होता है वायरल वैक्टर वैक्सीनेशन इसमें क्या होता है इनएक्टिवेटेड वायरस होता है पहले में वीक था इधर इनएक्टिवेटेड है इनएक्टिवेटेड वायरस होता है इज़ यूज टू डिलीवर इंस्ट्रक्शंस जो वायरस के जो है ना इंस्ट्रक्शंस वो केवल बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं हम इनएक्टिवेटेड वायरस से सो दैट वायरस एक्चुअल अटैक होगा तो बॉडी उस इंस्ट्रक्शन से रेडी हो जाएगी और डिफेंड कर लेगी तो इट इज़ यूज टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग रिकोगनाइजेबल पार्ट ऑफ द कोविड नाइन्टीन वायरस बॉडी आइडेंटिफाई कर ले इम्यून सिस्टम हमारा प्रिपेयर हो जाए तो ये भी कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेज है ट्राइड एंड टेस्टेड है हेपेटाइटिस बी में है और आज की डेट में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका स्पुतनिक फाइव और जैनसन ये जो मैक वैक्सीनेशन है ये वायरल वेक्टर वैक्सीनेशन है तीसरी होती है आरएनए वैक्सीनेशन आरएनए वैक्सीनेशन नया अभी हमने बनाया है न्यू टेक्नोलॉजी है इसमें हम क्या करेंगे इंस्ट्रक्शंस देंगे इम्यून सिस्टम क्रिएट करने को बॉडी को ट्रिगरिंग कोविड नाइन्टीन प्रोटीन वायरस जो लाइक जो आर है उसका वायरस का पैथोजन का तो हम ना तो एक्चुअल वायरस दे रहे हैं ना वीकेंड वायरस दे रहे हैं ना इनएक्टिवेटेड वायरस दे रहे हैं हम बस उसका मैकेनिज्म बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं और बॉडी उस मैकेनिज्म से आरएनए वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी तो इसमें सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा होती है बट इसमें रिक्वायर होता है एक्सट्रीम कोल्ड चेन स्टोरेज नई टेक्नोलॉजी है इससे पहले इसे यूज़ नहीं किया है ये वैक्सीनेशन है जैसे भारत फाइजर का बायो और दिस मॉडर्ना प्रोटीन वैक्सीनेशन होती है ये केवल इम्यून रेस्पॉन्स ट्रिगरिंग पार्ट कोविड नाइन्टीन का वायरस का बॉडी में देते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है उसका ट्रिगर हो जाता है और डेवलप होता है जब एक्चुअल वायरस का फाइट होता है तो दिस इज़ कन्वेंशनल कोल्ड और इसका एग्जांपल है दिस नोवा वैक्स तो ये चार टेक्नोलॉजी प्राइमरली अभी है होल वायरस वायरल वैक्टर आर और प्रोटीन वैक्सीनेशन कोविड नाइन्टीन का रैपिड स्प्रेड हो रहा है सोशल वैक्सीनेशन इज दी ओनली सोल्यूशन ये सोल्यूशन है सोशल वैक्सीनेशन रेडली अवेलेबल है और हम क्विकली डिप्लॉय कर सकते हैं वी शुड वर्क ऑन दिस सोशल वैक्सीनेशन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट दिस इज द नीड ऑफ़ द आवर सो दिस इज अबाउट वैक्सीन कैंडिडेट्स फेस्टिव मोमेंट है नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग न्यू ईयर का चीयर्स है कल हमने देखे थे डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल आपने प्रश्न भी तैयार किए तो पीपल जैसे ये रिचुअल्स बना रहे हैं रोंगाली बिहू बिगनिंग ऑफ द असमीज न्यू ईयर इन तेजपुर ऑन ट्यूजडे ये भी सेलिब्रेटरी मूड है आर्टिसंस परफॉर्म कर रहे हैं गटका गटका क्या है इंडियन मार्शल आर्ट है एसोसिएटेड विद द सिख बैसाख को ये मार्क कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल ये रमजान बिगिनस है इंडिया में हम रमजान बोलते हैं जो रमादान है वो सऊदी में बोलते हैं सो so, हमारे लिए है रमजान रमजान बिगिंस रेसिडेंट ऑफ ओल्ड दिल्ली अशरिंग इन द मंथ ऑफ रमजान दिस सो so, ये अभी चल रहा है फेस्टिवल और फिर कुंभ भी है अभी फेस्टिवल्स हैं और साथ ही साथ कोविड भी है तो स्पाइक इन वायरस केसेज डेम्पन्स बीहू स्पिरिट दिस इज़ द थिंग नाउ लेट मूव फॉर द रिकॉर्ड न्यू केसेज आए थर्ड कॉन्जिक्यूटिव डे इन दिल्ली में दिस इज़ फेस्टिव मोमेंट्स दिस इज हैप्पी एंड प्रॉस्परस तमिल न्यू ईयर एंड विशू सो दिस इज व्हाट्सएप सी सी आई डिफेंस नोड फॉर प्रॉप बिकॉज व्हाट्सएप की मोनोपोली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्काईमेट स्काईमेट फोरकास्ट अ हेल्दी नॉर्मल मानसून स्काईमेट ने बोला है कि मानसून इस बार हेल्दी होगा ये कैसे प्रोडिक्ट होता है हम निकालते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज लॉन्ग पीरियड एवरेज ये है इंडिया का आज की डेट में अराउंड एट्टी एट सेंटीमीटर रेनफॉल ये पिछले पचास साल का मीन है मीन मतलब सबका टोटल करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज दैट इज मीन मोड क्या होता है आंसर मीन मीडियन मोड इन तीनों में वन लाइन में डिफरेंस बताइए मीन क्या होता है मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है तो ये फिफ्टी ईयर का मीन है लॉन्ग पीरियड एवरेज अब मानसून का हमने समझा था क्लास इलेवेंथ की एन इज अगेन वेरी गुड रीड दैट एन मल्टीपल टाइम्स एन सी आर टी क्लास इलेवेंथ नाउ मॉनसून जो है मॉनसून हमारे यहाँ इफ देर इज अ रियल गॉड दैट इज मॉनसून बिकॉज मॉनसून से ही बारिश होती है मॉनसून से ही हमारा पूरा एग्रीकल्चर इकोनमी लाइफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मॉनसून बाउंटी ऑफ नेचर जब मॉनसून सरप्लस होता है तो इट इज़ गुड पिछले दो तीन साल से मानसून सरप्लस हो रहा है तो विच इज अ गुड थिंग स्काईमेट ने बताया इस साल भी हेल्दी नॉर्मल मानसून होगा लास्ट ईयर आई वॉज रीडिंग प्रीवियस नोट्स थर्टी फर्स्ट ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी इस नोट कॉपी को मॉनसून स्काईमेट वर्सेस आईएमडी एक आईएमडी का फोरकास्ट आता है और एक स्काईमेट का फोरकास्ट आता है इन दोनों फोरकास्ट का यहाँ पे कंपैरिजन दिया था स्काईमेट जो होता है वो किन सारे फैक्टर्स को टेक इन करता है बिफोर कमिंग टू दिस फोरकास्ट लाइक विंड एट्सेट्रा सो हैव अ लुक स्काईमेट वर्सेज आई अभी अप्रैल आ गया है मानसून आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे अगले दो तीन महीने में हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं मानसून के मानसून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉनसून जो होता है पहले हमें लगता था इट इज़ सिंपली डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स लाइक अल नीनो ला नीना इंडियन ओशन डायपोल डायपोल का मतलब होता है सी सॉ पॉजिटिव नेगेटिव तो इंडियन ओशन डायपोल जब पॉजिटिव होता है तो इंडिया में मॉनसून अच्छा आता है इंडियन ओशन डायपोल जब नेगेटिव होता है तो मॉनसून बुरा आता है सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज ये पहले हमने डिस्कस किया है इसका भी आई एल शेयर पीडीएफ आज काफी सारी पी शेयर करूंगा इंडियन ओशन डेपोल प्रिपेयर दिस क्वेश्चन नाउ लेट लेटेस्ट मूव फॉर दिस पेज नंबर नेक्स्ट सेलिब्रेटरी मूड दिस इज बाबा बाबा साहेब साहेब अम्बेडकर हार्ट फेल ट्रिब्यूट टू भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव जी अम्बेडकर ऑन इज बर्थ एनिवर्सरी सी आपका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में 6 दिसंबर 1956 आपको जाना जाता है इंडियन जूरिस्ट के नाम से इकोनॉमिस्ट थे पॉलिटिशियन थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे आप प्रिंसिपल आर्किटेक्ट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके आप चीफ थे इंस्पायर्ड बाय मॉडर्न बुद्धिस्ट मूवमेंट कैंपेन किया अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लेबर आपने कहा था लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे

आर्टिकल 17 है राइट टू इक्वालिटी है डीपीएसपी के प्रोविजंस है वेलफेयर क्यों होना चाहिए फिर बाबा साहब ने आर्टिकल थर्टी टू को भी बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो सिग्निफिकेंट वर्क है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में एंड दिस सोशल रिफॉर्म्स में भी सोसाइटी की जो बैड प्रैक्टिसज थी उसको एलिमिनेट करने में नोट ऑन द वर्क इंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आगे बढ़ते हैं इंस्टीट्यूशन गेट्स ग्लोबल एड फॉर प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स ये क्या होता है जैसे एक जयपुर फुट का भी काफी नाम चलता है जयपुर लेग ये एक्चुअली जो फिज़िकली चैलेंजड है उनके लिए ये ऐसे एड्स होते हैं दीज आर एड्स लाइक दीज आर प्रोस्थेटिक्स आर्टिफिशियल लिम्स हैं फैब्रिकेट हो रहा है एट अ वर्कशॉप इन उदयपुर तो गवर्नमेंट यहाँ पर भी इनको इंसेंटिवस भी प्रोवाइड करती है और फिजिकली डिसेबल्ड का हमने कुछ दिन पहले एक स्कीम कंपाइलेशन देखा था विकास पीडिया का टोल्ड यू तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट दिव्यांग है दिव्यांग एबल्ड हमें स्कीम्स प्लेटफॉर्म बनाना है ताकि जो हमारी सोसाइटी रहे उसमें इक्विटी आए सबको बराबर दिस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू गेट देयर फुल पोटेंशियल जिस वो पोटेंशियल जो अचीव कर सकते हैं फॉर दैट वी नीड टू डू दिस थिंग तो दिस इज उदयपुर इंस्टीट्यूशन ये अनादर बिगनिंग है अनादर बिगनिंग दिस इज एडिटोरियल अनादर बिगनिंग यहाँ बात है फार्मो विजिलेंस इज़ वाइटल एज मोर वैक्सीनेशन बिकम अवेलेबल एंड न्यू साइड इफेक्ट सीन जैसे एस्ट्राजेनेका अभी फाइजर में भी आ गया कि कुछ सर्टेन केसेस में यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो यूके यूएस में यहाँ पे थोड़ा कंसर्नस रेज हो गए इन वैक्सीनेशन के लिए भी तो इसके लिए ज़रूरी है विजिलेंस हो इसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो प्रॉपर कंसल्टेशन हो पीयर रिव्यू हो जर्नल्स उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स है डेटा है फाइंडिंग्स है वो पब्लिश हो पब्लिक में और उसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी हो तभी वैक्सीन बनाना कोई एक दो साल का खेल नहीं होता इसमें दस दस पंद्रह पंद्रह साल लग जाते हैं बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स विद इन अ ईयर टू हमने वैक्सीनेशन बनाया अप्रूवल्स भी इन्हें फास्ट ट्रैक मिले अप्रूवल्स भी इन्हें इमरजेंसी यूज कंडीशन के लिए मिले अभी हम फॉरेन वैक्सीनेशन को भी अप्रूवल दे रहे हैं फॉरेन वैक्सीनेशन वो वैक्सीनेशन होगी जैसे यू की रेगुलेटरी ने उसको अप्रूवल दिया है यू ने दिया है जापान ने दिया है तो दे आर ऑल्सो लाइक वेरी रिलायबल इनके जो रेगुलेटरी मैकेनिज़म है तो बिकॉज यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है तो हम इंडियन केस में भी उसको फास्ट ट्रैक अप्रूवल दे देंगे अवॉइड होगा कंडक्टिंग लोकल क्लिनिकल ट्रायल बट पैरल ब्रिजिंग ट्रायल है ये पोस्ट अप्रूवल उन्हें ऑप्ट करना पड़ेगा तो ब्रिज ट्रायल मतलब जैसे यूएस के लोग हैं या फिर यूके के लोग हैं ये मोस्टली क्या होते हैं कॉकेशियंस होते हैं अफ्रीकन के लोग हैं ये डिफरेंट होते हैं हम जो इंडियंस हैं हम थोड़े डिफरेंट हैं एशियंस हैं जैसे येलो स्किन है ब्लैक स्किन है वाइट स्किन है हमारी स्किन ब्राउन होती है तो वी इंडियंस आर लाइक लिटिल बिट डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट है तो अगर वो इस पॉपुलेशन के लिए वैक्सीनेशन इफेक्टिव रहा है तो वो दूसरी पॉपुलेशन के लिए भी इफेक्टिव होना चाहिए बट एक ट्रायल इज़ इम्पॉर्टेंट ब्रिज ट्रायल इससे स्पीडअप होगा वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी। अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो हमने लास्ट ईयर बहुत सारी तैयारियां की थी हमने जो रेलवे स्टेशनस हैं ट्रेन की बोगीज़ हैं स्टेडियम्स हैं एट्सट्रा सबको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का कोशिश किया बट लास्ट ईयर सिचुएशन वर्जन नहीं हुई कोविड नाइन्टीन को हमने कंट्रोल कर लिया बिकॉज लोगों के मन में डर भी था केयरफुल थे बट इस साल डर भी नहीं रहे तो कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो इट इज़ अ नाइट मेर ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव ऑफ हॉस्पिटल बेड्स हो वेंटिलेटर्स हो ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स हो ये कॉज ऑफ वरी है ये वही बात हो गई पिछले बार हमने बहुत कहा भेड़िया आया भेड़िया आया और इस बार एक्चुअल में आ गया मीन I mean, हम शायद अनप्रिपेयर्ड यहाँ पे आ गए रिलैक्स है गार्ड्स इसीलिए कभी भी डाउन नहीं करने चाहिए लेट अस सी अ स्मॉल स्टेप दिस इज अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन दिस इज अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लॉज शुड रिकोग्नाइज द प्राइमेसी ऑफ वुमेन्स एजेंसी द पॉइंट इज इफ वी आर डिस्कसिंग वी आर मेकिंग अ डिसीजन विच इज अबाउट प्रेगनेंसी एंड वुमेन तो इसमें वुमेन का से होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैनी टाइम्स हम देखते हैं अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी है या फिर चाइल्ड वर्सेज मदर का डिसीजन लेना है तो मदर को प्रायोरिटी देना है तो इस केस में वी गो फॉर दिस अबॉर्शन अभी अमेंडमेंट हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का इसमें जो टाइम है वो ट्वेंटी फोर वीक कर दिया है अलाउविंग द टर्मिनेशन ऑफ बियड ट्वेंटी फोर वीक भी होगा अगर फीटल एनमली है हमारे कंट्री में अगर स्टेटस्टिक्स देखें तो नंबर ऑफ़ अन सेफ एंड इलीगल अबॉर्शन हर साल करीब इतने ज़्यादा नंबर है एंड दीज़ आर अनसेफ और इसके कारण क्या होता है डेथ भी बहुत ज़्यादा होता है आई एम आर नंबर आर पुअर एम एम आर नंबर आर पुअर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो नहीं पाती है और इससे और ज़्यादा दिस सोसाइटी में प्रेशर आता है एंड वी लॉस लाइफ सो देट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इसको लीगलाइज करें दिस इज अ वेलकम मूव सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में पंजाब हरियाणा यहाँ पे जो सेक्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है और जो चाइल्ड का है वो तो और भी ज़्यादा पुअर है सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इस पर वॉचफुल आई रखें गेस्टेशन एनी पॉइंट पे इट इज़ ऑल अबाउट विमेन्स राइट पॉलिसी जो भी होनी चाहिए वो विमेन एट सेंटर होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पर भी इन्होंने जैसे राइडर लगाया है कि एक मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा डॉक्टर्स मेडिकल बोर्ड एट्सेट्रा तभी पॉसिबल होगा तो नो no, पॉलिसी में वेमेन एट राइट होना चाहिए एंड प्राइवेसी ऑल्सो शुड बी रेस्पेक्टेड मेडिकल हेल्थ केयर इज़ वेरी एडवांसड नाउ सो वी कैन लुक फॉर दिस सो दिस इज अबाउट अ स्मॉल स्टेप बट इन द राइट डायरेक्शन बेंगाल नीड्स नो रेड क्लिफ लाइन ऑफ दिस हेटरेट दिस इज अबाउट बेंगाल एंड दिस इलेक्शन सिस्टम इन क्लाइमेट चेंज नॉइज इंडियाज रोल एज कंडर अब हम मानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब जिम्मेदार है बट आज की डेट में अगर हम देखें तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा वेज है तो रेस्पॉसिबिलिटीज़ कॉमन है बट डिफरेंशियटिड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए मतलब गोल सबका है बट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूशन रेस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ तरम फाइनेंशियल एड्स यू एस यू के से इंडिया बराबरी नहीं कर सकता है सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमें नेट जीरो की तरफ बढ़ना है नेट जीरो मतलब जितना आपने एमिजन किया उतना ही इन अ वे आपने उसको कंपनसेट कर दिया तो प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू जीरो इंडिया के ऊपर प्रेशर है कार्बन न्यूट्रल बने डेडलाइन डिक्लेयर करें टारगेट्स डिक्लेयर करे डिक्लेरेशन करें एग्रीगेट एमिशन जो है उसको भी फैक्टर इन करना जरूरी है जिससे इंडिया ने तो अभी कोल प्रोडक्शन वगैरह का दिस राइज हो रहा है यूएस यू के पिछले 200, 250, 300 साल से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से दे आर कंटिन्यूअसली बर्निंग दिस पॉसल फ्यूल डीजल पेट्रोल कोल एटसेट्रा दैट इज वाई दे बिकम सो डेवलप्ड बट अब आज की डेट में इंडिया को अगर, अगर अपन डिप्राइव कर देंगे कि आप फ्यूल पेट्रोल यूज़ नहीं करो कोल यूज़ नहीं करो डीजल नहीं करो तो हमारी ग्रोथ हेम्पर हो जाएगी सो एग्रीगेट एमिशन को भी फैक्टर इन करना जरूरी है एंड इट्स ऑल अबाउट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन बिम्स्टेक बिमस्टेक वापस काफ़ी न्यूज़ में है अभी कुछ ही दिन पहले हमने सार्क भी पढ़ा था और यह है बिमस्टेक बिमस्टेक मतलब दिस बे ऑफ बेंगोल का है ये बे ऑफ बेंगोल ग्रुपिंग जो है वर्क इन प्रोग्रेस है अभी इसका सिल्वर जुबली होने वाला है ट्वेंटी फाइव द पॉइंट इज बिम्स्टेक को और एडवांस करने की कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है द बे ऑफ बैंगल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन फाउंडेड हुआ था नाइनटीन नाइनटी सेवन प्लस ट्वेंटी फाइव दो हज़ार बाईस बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है जी डी पी भी अच्छा है काफ़ी ज़्यादा इनका फोकस एरिया है ट्रेड टेक्नोलॉजी एनर्जी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म फिशरी में तो ये जो कंट्रीज़ है दीज आर कॉल्ड बिम्स्टेक कंट्रीज़ ये बे ऑफ बंगाल की ये कंट्रीज नेपाल और भूटान भी आता है इसमें फर्स्ट समिट थाईलैंड में हुआ था श्रीलंका अभी इसका करंट ईयर था समटाइम्स बैक ट्वेंटी नाइन्थ जून अभी मैं पुराने वीडियोस देख रहा था पुराने नोट्स पढ़ रहा था तो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून को हमने ये पढ़ा था साउथ एशिया बाउंड्रीज क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सलेंट आर्टिकल था बात था सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक लॉकडाउन बाउंड्री इश्यूज़ जो हैं उसको सॉल्व करें जैसे बांग्लादेश के साथ हमने लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के थ्रू काफ़ी हद तक एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेवस के थ्रू ये सॉल्व किया है कन्फ्रंटेशनल टेंडेंसी अवॉइड करनी चाहिए एंड पॉपुलर पॉलिटिक्स को भी अवॉइड करना चाहिए इट्स ऑल अबाउट मेन्टेलिटीज़ स्टेट हो सोल आर्बिट्रेटर हो डिफाइन करे रिप्रेजेंट करे अपने नेशनल इंटरेस्ट टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ को रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है बिकॉज हमने देखा है जब भी कंट्री फाइट करती हैं तो जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं ना ये सबसे ज़्यादा सफर करते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान में ये जो बॉर्डर एरिया है शेलिंग होती है कुछ भी होता है इनका लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है तो बॉर्डर एरिया के लाइव वेलविंग वेल्विंग को भी दिस वी नीड टू टेक केयर हम पेट्रियाटिज़म जो है वो ठीक है बट जिंगोज़्म नहीं होना चाहिए अल्ट्रा नेशनलिस्टिक टेंडेंसी होती है वो एंटी नेशनलिस्ट हो जाती है कई बार कंटेस्टेड आइडियाज़ होते हैं रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लाइफ ईयर इज़ फ्लूड इस पूरे जोन में मायोपिक हॉस्टिलिटी इज़ नॉट देयर व्हाट इज मायोपिक मतलब आप दूर का बड़ा पिक्चर नहीं देख पा रहे हो बहुत नैरो नैरोट्स हैं दिस शुड भी अवॉइडिड बॉर्डर एरियाज में फील हीट होता है तो इमेच्योर एंड डेंजरस जो है ना पब्लिक ओपिनियन वो बचना चाहिए इंडिया एंड पाकिस्तान में भी जो अक्सर पीस के अभी जैसे यू टर्न भी हुआ वाई बिकॉज जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है वो कई बार ओवरबोर्ड हो जाती है नेशनल इंटरेस्ट पीछे हो जाता है सो दिस इज़ द थिंग बिम्स्टेक एंड बी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अब सार्क बिकॉज सार्क अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है तो प्रायोरिटी दे बिम्स्टेक को अभी इसकी सिल्वर जुबली है दो तो आने वाले हर एग्जाम में UPSC में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिमस्टेक री इन्वेंट करना जरूरी है ये ग्रुप ऑफ फोर नेशंस पहले बने थे फिर अभी इसमें इतने कंट्रीज हैं सो दिस इज इज इंपॉर्टेंट अभी फर्स्ट को भी हमने इस पर एक नोट प्रिपेयर किया था बिमस्टेक इज इंपॉर्टेंट इमिजिएट वैक्सीनेशन मस्ट है इंडियन यूनिवर्सिटीज में यहाँ आर्ग्यूमेंट है कि बच्चों का भी नुकसान हो रहा है कॉलेज बंद है स्कूल बंद है एग्जाम्स नहीं हो पा रहे तो क्यों ना कॉलेज स्टूडेंट्स को हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन दें एटलीस्ट उनकी क्लासेस रेगुलर हो पाएगी लेसन फ्रॉम कोविड नाइन्टीन जो सीखे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया बैक टू जीरो फिर से कोविड आ गया इकोनोमी इंप्रूव्स बट पैसमिज्म परजिस्ट ऑप्टिमिज्म मतलब दिस पॉजिटिव पैसमिज्म मतलब नेगेटिव इंडिया हैज़ वॉक द टॉक प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमने कंट्रीज़ में वैक्सीन मैत्री वैक्सीन मैत्री में इंडिया ने अपना काम किया है प्रे जो वैक्सीन की ज़रूरत थी इंडिया ने उन्हें डिलीवर किया तो दैट इज़ वॉक द टॉक इंडिया बिकॉज बिलीव करता है सर्वे संतु निरामया इंडिया बिलीव करता है वासुदेव कुटुम्बकम में डिस्पाइट कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट थे फिर भी हमने सप्लाई किया वैक्सीन टू ओवर एटी कंट्रीज ये डायलॉग्स हो रहे हैं रायसीना डायलॉग रायसीना डायलॉग जियोग्राफिकल जियो स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल ये सारे यहाँ पे दिस एनुअल मीट टाइप ऑफ होता है ग्लोबल कोऑपरेशन बेनिफिट्स इंडिया जयशंकर साहब ने इनिशिएटिव ऑन वैक्सीनेशन में कहा एस फोर हंड्रेड की डिलीवरी अभी यूएस रशियन के जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे डेड दे, ऐसा डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था बट अब हो रहा है कि शायद ये बिगिन हो जाएगा बाय नवंबर दिस ईयर स्पीडअप करेंगे स्पीडअप में ही एक और बात है काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्जरीज थ्रू सेंशन एक्ट जो भी एस फोर हंड्रेड रशिया से लेता है अमेरिका वहाँ पे काटसा लगा देता है टर्की में लगा दिया लेटेस सी इंडिया को एग्जामेशन मिलता है या नहीं देन व्हाट्सएप पॉलिसी है सी सी आई डिफेंड कर रहा है नोट फॉर प्रॉप सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो माइग्रेंट के चिल्ड्रन्स हैं इनका वेलफेयर जरूरी है बिकॉज दे आर अगेन ऑन द मूव अभी तो कोविड नाइन्टीन था अभी फिर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फिर से रिसर्जेंस हो रहा है तो जो चिल्ड्रन होता है इनका एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस एट्सेट्रा वेलफेयर इज इंपॉर्टेंट देन दिस इज द नेक्स्ट वन मिस्टर सुशील चंद्रा टेक्स ओवर एज सी सी एंड दिस इज नो शॉटेज ऑफ वैक्सीनेशन केसेस बढ़ रहे हैं यह है रहीनो रहीनो अंडर दिस आई आर वी ट्वेंटी ट्वेंटी इंडियन रैनो विजन ट्वेंटी ट्वेंटी सेविंग मानस राइनो का काफ है इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं काजीरंगा मानस टाइगर रिजर्व में दिस इज रैनो इंडिया में वन हॉर्न रानोसोसूत है टारगेट है पॉपुलेशन तीन हजार राननोस की लाना है असम में इस दो हजार पाँच से यह इंडियन रैनो विजन स्टार्ट हुआ था और यह हमारा टारगेट था अब यहाँ पोबी तारा सेंचुरी है पोबी तारा सेंचुरी से राइनो को ऐसे ट्रांसलोकेट कर रहे हैं मानस टाइगर रिजर्व में राइनो काजीरंगा में है पोबी तारा में है उरांग में है पहले यहाँ पे भी थे कहाँ पर मानस में भी थे बट मानस में पोचिंग एंड ऑल करके वो वाइप आउट हो गए अब वापस रीलोकेट री स्टोर कर रहे हैं मानस में भी और एक ये लाओखोवा सेंचुरी सो so, वॉट आर द नेम्स काजीरंगा पोबी तारा मानस लाओखोवा यहाँ पर मानस एंड लो लाओखा में वाइपड आउट हो गए तो पोबी तारा से यहाँ पे ऐसे रीलोकेशन हो रहा है रायनासोरस का अगेन प्रीवियस नोट्स में लास्ट ईयर फर्स्ट ऑफ जुलाई को वी टॉक्ड अबाउट अ राइनो असम डिलयूज क्यों बात किया था बिकॉज यहाँ पे फ्लड आ गया था फ्लड आ गया था ये इंडियन रायनोसोरस है राइनासोरस वन हॉर्न रायनासोरस और अफ्रीका में कौन सा राइनासोरस मिलता है आंसर आई में ये वर्लरेबल लिस्ट में है काजीरंगा नेशनल पार्क टू थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम हो रही है कॉन्सनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्पीशीज़ को ना किसी एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रखना चाहिए जैसे सारे लाइन्स गिर में हैं तो दिस इज़ अ डेंजरस थिंग उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना ज़रूरी है तो वाइल्ड एनिमल्स को बिकॉज फ्लडिंग हो रही थी तो बात था कि क्यों ना इनको ट्रांसलोकेट करें दूसरी जगह वहीं हमने बात किया इंडियन राइनोविजन ट्वेंटी ट्वेंटी का फर्स्ट ऑफ जुलाई को राइनो रिवर एंड फ्लड प्लेन है तो ये प्रेफर करते हैं हैबिटेड ग्रेज ग्रेजर्स हैं ये डिक्लाइन क्यों हो रही है पॉपुलेशन स्पोर्ट्स हंटिंग पोचिंग हैबिटेट लॉस पॉपुलेशन डेंसिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है ह्यूमन राइनो कॉन्फ्लिक्ट है ये रीज़न है पॉपुलेशन डिक्लाइन के अब इसके बाद सॉल्यूशन कैसे कंजर्व करें और स्टेप्स क्या लिए तो स्टेप्स ये थे इंडियन राइनो मिशन रीस्टोर करें लैंडस्केप लोकल्स के साथ काम करें जो वहाँ की लोकल ट्राइबल्स हैं पीपल हैं बिकॉज दे नो द बेस्ट ये फर्स्ट रेस्पोंडर हो सकते हैं रिड्यूस करें इलीगल ट्रेड मोनिटर सेंसर्स और री करें लॉ इन्फोर्समेंट ये पॉइंट्स हैं अच्छे पॉइंट्स थे इसमें देन हम कैसे कर सकते हैं इसमें अपना पार्ट एंगेज करें कंजर्वेशन कमेटी अवेयरनेस बढ़ाएं नेशनल पार्क जाएँ एनिमल प्रोडक्ट इ का यूज़ नहीं करें वाइल्ड लाइफ पार्ट्स है उनका यूज़ नहीं करें लर्न करें स्प्रेड करें अवेयरनेस एंड इंस्पायर करें उस दिन आपने ये आंसर भी लिखा था अवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वाइल्ड लाइफ एट द टाइम ऑफ डिजास्टर पहले हम इसी में कमेंट सेक्शन में ही ऐसे नोट में आंसर यू यूज टू टाइप दे व फैंटेस्टिक देर वर सम रियली गुड आंसर्स एथिकल साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वाइल्ड लाइफ आई वॉज लुकिंग एट दिस वीडियो बहुत अच्छे आंसर्स हैं इसमें अब दे आर स्ट्रॉन्ग राइनोज है पुअर विजन तो अक्सर इनका रोड एक्सीडेंट भी हो जाता है तो दिस इज अबाउट राय वापस पॉपुलेशन इनकी बढ़ाना है रीलोकेशन करना है स्ट्रीट स्मार्ट सेवी दिस इज न्यू कार मेक वे फॉर द ड्यू ग्लॉस्टर वर्सेस कार्निवल एवर लास्टिंग लव स्क्रीन ग्रैब्स फ्रोजन इन टाइम यूएस एस कर रहा है ट्रूप्स को फ्रॉम अफगानिस्तान वॉशिंगटन का प्लान है रिमेनिंग ट्रूप्स बीस एनिवर्सरी है नाइन इलेवन की उससे पहले ये ट्रूप्स को विड्रॉ करना चाहता है डब्ल्यू एच ओ ने कहा हॉल्ट करे ऑन सेल ऑफ लाइव वाइल्ड मैमल्स इन मार्केट ना दिस इज इंपॉर्टेंट इससे क्या होता है जूनोटिक होती है कोविड कोविडीन क्या है जूनोटिक जूनोटिक है 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 सार्स मर्स ये सब रिस्क फैक्टर जैसे बैट से आया है किया लाइव एनिमल मार्केट इन सोलो इंडोनेशिया ये जो ईस्टर्न कंट्रीज है ना ये इस टाइप के इनके एनिमल मार्केट ऐसा बहुत होता है इसीलिए इनके जूनोटिक डिसीजेस भी बहुत होती है डब्ल्यू एच ओ अर्जे तो दिस इज अबाउट वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक ट्रैफिक करके भी ऑर्गेनाइजेशन है बाइडन ने प्रपोज किया समिट मीटिंग विद पुतिन यूएस ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन रोल आउट पर भी पॉज लगा दिया बिकॉज रेयर एंड सीवियर ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं हांगकॉन्ग हॉन्गकॉन्ग में डेमोक्रेसीज डाइंग देन इजिप्ट कंपनसेशन सीज मेगा शिप कस्टम ने कस्टम्स और एक्साइज फ्यूल इन इनडायरेक्ट टैक्स सर्ज हुआ कोविड नाइनटीन हिट ईयर में कस्टम्स मतलब बाहर से कोई चीज़ आना जाना एक्साइज मतलब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जिस पे लगा है जहाँ से कंट्रोल कलेक्ट हो रहा है ये सब डिफरेंट है तो इनडायरेक्ट टैक्स का सर्ज हुआ है डायरेक्ट टैक्स का सर्ज बेटर होता है इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज सब पे इक्वली हिट होता है फॉर एग्जाम्पल अगर से किसी खाने का बिस्किट का प्राइस बढ़ गया बिस्किट के एक पैकेट का प्राइस पाँच रुपये से दस रुपये हो गया तो अमीर को भी दस देने पड़ेंगे गरीब को भी दस देने पड़ेंगे अमीर को इतना इम्पैक्ट होगा नहीं गरीब का अगर फाइव टू तो टेन हो गया तो इसको बहुत प्रॉब्लम होगी सो दैट इज़ वाई इनडायरेक्ट टैक्सेशन यूजली इतने सही होते नहीं है सेंसेक्स स्लैब्स वन पॉइंट थ्री एट परसेंट ऑटोज बैंकशाइन वायरस सर्ज वैक्सीनेशन थ्रेटन रिकवरी ये सब नंबर ना वेट एंड वॉच इकोनमी अभी इतना इतना ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है ना अब बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करोगे टू रीड वन थ्योरी पॉलिसी एट्सट्रा अगले दिन वो सब जंक हो सकता है सो डोंट वेस्ट टाइम अभी केवल बेसिक्स पे ध्यान दीजिए बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी बहुत अच्छे से रिवाइज करिए फंडामेंटल्स फोकस ऑन दैट थिंग देन ये गोल्ड की ज्वेलरी है बी अ हॉलमार्क फ्रॉम जून हॉलमार्क ये हॉलमार्क होता है हॉलमार्क में क्या होता है एक तो लगता है बी का लोगो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड बताता है ये एस सेंटर है ये जूलर का आइडेंटिफिकेशन मार्क है और ईयर ऑफ हॉल मार्किंग है ये इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज अक्सर जो सोने के ऐसे ज्वेलरी आभूषण वगैरह होते हैं इसमें कई बार फ्रॉड होता है वो करेक्ट नहीं होता सो दैट इज़ वाई दिस दिस गोल्ड ज्वेलरी में हॉलमार्क नेसेसरी है मस्ट बी आर हॉल मार्क फ्रॉम जून जब भी आप कुछ ऐसा खरीदें हॉलमार्क जरूर देखना चाहिए वहाँ पे देन दिस इज़ कॉन्फिडेंट सेल्स इन इंडिया लम्बरगिनी दिस इज़ लॉकडाउन लॉकडाउन अगर 1.25 बिलियन अ वीक हमारा नुकसान हो सकता है देन दिस इज आई पी एल इज गोइंग ऑन टोक्यो ओलंपिक्स ओलम्पिक्स सी इंडियन ओपन इन कैमरा होगा स्टाक इमेज दिस इज इंडियन एक्सप्रेस सेकेंड सर्ज है सिचुएशन इज़ नॉट एट ऑल गुड ग्रिम दिस इज लॉकडाउन रिमोट कोविड वॉर छत्तीसगढ़ दिस इज रमजान बिगिनस एंड दिस इज एटी कंट्रीज विल हमने वैक्सीनेशन दिया है बैसाखी फेस्टिवल ऑफ न्यू बिगनिंग डिसीजन ट्वेंटी ट्वेंटी चंद्र आप अभी ट्वेंटी फ्रांस के टॉक्स हुए बूस्ट करना है इंडो पैसेफिक कोऑपरेशन को जयशंकर साहब एंड फॉरन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस दिस इज गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स बाबा साहब ने कहा मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता समानता और भाईचारे का भाव सिखाता है ग्रीटिंग्स ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन दिस इज रेमडेसिवर गुजरात एंड दिस इज गंगा आरती हर की पौरी गुरुद्वार हरिद्वार में एंड दिस इज बूस्टर शॉट कन्वेंशनल पॉलिसी वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन का बास्केट इंक्लूज मतलब रिकवरी नज़र नहीं आ रही है इंक्लूज हो रही है वो नज़र नहीं आ रही है कोविड नाइन्टीन का ऑन स्लॉट द वेलनेस वर्क फोर्स एंड दिस इज अबाउट चैलेंज अमेरिकन फ्लीट इंडियन वॉटर्स देन दिस इज बाइडन यू एस पुल आउट करना चाहता है फोर्सेज फ्राम अफगानिस्तान ट्वेंटी ईयर्स अभी कम्प्लीट हो रहे हैं यू एस ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीनेशन पर पॉज लगाया अब ये एक और न्यूज़ है जापान का डिसीजन है टू डिस्चार्ज वेस्ट वाटर फ्राम फोकिशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लान सुनामी आई ये जो प्लान था उधर इन्होंने इतना प्रोटेक्शन नहीं लगा रखा था तो सुनामी आई तो पानी पूरा यहाँ पे रिक्टर में चला गया जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उनका फिर इसको कूल करने के लिए और पानी पंप लाना पड़ा एट्सट्रा हुआ बट एक बार जो पानी इससे वेस्ट आता है वो भी न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है तो उसको ये बड़े बड़े टैंकर्स में ऐसे स्टोर करते जा रहे थे अब इनकी कैपेसिटी फुल हो गई है तो दे आर सिंह कि नाउ वी हैव नो अदर चॉइस बट टू रिलीज दिस वाटर और वो इस पानी को अभी डिस्चार्ज कर देंगे ऑल दो इसके लिए अप्रूवल मिल गया है साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको ओके okay बोल दिया है यहाँ पे कि एज सच कोई बिग ऐसा ट्रबल होना नहीं चाहिए बट लोकल्स आर वेरी वेरी वर्ड अबाउट दिस लेटेस सी इसमें क्या होता है पैसिफिक क्वेश्चन में धीरे धीरे ये ऐसे करके रिलीज करेंगे देन दिस इज़ रोड टू फॉरन वैक्सीनेशन एक मिनमाटा डिसीज़ भी हुआ था इधर जापान में ही हुआ था वो भी देन दिस इज़ राज्यसभा स्पेक्ट्रम है दिस इज़ अदानी पोर्ट स्टैंडर्ड एंड पोअर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से रिमूव हो गया है कोविड वैक्सीनेशन अप्रूवल मिलते ही सेंसेक्स सी बाउंस हो गया सेंसेक्स इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग आज ये कल ये बहुत फ्लक्चुएट होता है इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स देन लॉकडाउन इज इन कोई बड़ा लॉकडाउन नहीं लगेगा माइक्रो लॉकडाउन हो सकते हैं जनता कर्फ्यू टाइप आई ने वॉन किया यू एस पेड फॉलोआउट ऑन मार्केट कोविड रिलेटेड साइबर अटैक्स बड़े हैं और मैंडेटरी गोल्ड का हॉल हॉल मार्किंग हो जाएगा इस टाइप से हॉल मार्किंग होगा हिंदी में हम देखते हैं सागरमाला समुद्र समुद्र में होते हैं पोर्ट्स पोर्ट्स इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स हैं आंसर लेटेस्ट मेजर पोर्ट का भी नाम पता होना चाहिए सागरमाला मतलब पोर्ट लेड डेवलपमेंट बंदरगाह हिंदी में बोलते हैं इनका आधुनिकीकरण और विकास करेंगे इनकी क्षमता बढ़ाएंगे नए हम पोर्ट्स बनाएंगे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे जैसे मुंबई पोर्ट है वो इतने एरिया को इंटर लैंड है यहाँ का वो एरिया सर्व करता है तो यहाँ कनेक्टिविटी होनी चाहिए रोड रेलवेज एट्सेट्रा राजमार्गों से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स यहाँ पे समाधान होना चाहिए ताकि कम टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन हो आवाजाही की लागत समय के अनुकूलित बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बढ़ाना तो पहला तो है आधुनिकीकरण विकास कनेक्टिविटी बढ़ाओ औद्योगिकीकरण करो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करो बिकॉज स्पोर्ट्स के थ्रू से वर्ल्ड में मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है थ्रू दिस ओशियन रूट्स ओशियन रूट्स जैसे हमने शिप देखा था ना स्वेज कैनाल का ऐसी बड़ी बड़ी शिप्स होती है ट्रांसपोर्टेशन ही इनका काम होता है और सी रूट होता है तो औद्योगिकीकरण करेंगे तो बिगर मार्केट्स हम सर्व कर पाएंगे तटीय सामुदायिक विकास कम्युनिटी जो है यहाँ की उसका भी डेवलपमेंट करें उनकी आजीविका नौकरी कौशल विकास मत्स्य विकास तटीय पर्यटन तटीय समुदाय के सतत विकास को बढ़ावा देना सतत का मतलब सस्टेनेबल तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग भी यहाँ पे देना तो इससे क्या होगा जलमार्ग होगा कनेक्टिविटी सोसाइटी कम्युनिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन और दिस डेवलपमेंट दिस वुड बी कॉल्ड सागर माला परियोजना का पर्पस ये सागर माला परियोजना के घटक है नाउ ये क्वेश्चन है सी सेट का बड़ा आसान है जब भी हमें ये एक रूल बना लीजिए जेंडर जो भी बताना है तो से वुमेन को हमने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दिया ऐसे करके हमने यहाँ पे कर दिया तो इससे क्या होता है जेंडर ऐसे कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा अब ये वुमेन है वुमेन की मदर है मतलब फीमेल दिस इज़ फीमेल दिस इज़ फीमेल अब मदर का ब्रदर है तो जनरेशन हमेशा ऐसे लानी है हायर की बनानी है तो जनरेशन ये हो गई अब इस जनरेशन के नीचे वाली जनरेशन में ये मैन है तो वुमेन और मैन क्या हो गए कज़न हो गए देन यहाँ पे भी विमेन विमेन की मदर एक जनरेशन अप फिर उनकी मदर एक जनरेशन अप अब, अब इनका सन है मतलब एक जनरेशन नीचे यहाँ पर है तो दिस एंड दिस रिलेशन इज नीस अब ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना इसको आप लिख लो लिख लो आप यहाँ पे ऐसे जैसे क्यू इज़ ब्रदर ऑफ आर तो क्यू इज़ ब्रदर ऑफ R P इज ब्रदर ऑफ Q T इज S R नीचे वाली जनरेशन में S तो हमने वेमेन भी लिख लिया यहाँ पे और इनकी हायर भी बना ली अब कजिन ऑफ क्यू बताना है तो इसको आप कंसोलिडेट करके एक में बनाओ पहले इंडिपेंडेंट लिखो जो इंडिपेंडेंट है कंसोलिडेट करो वन में तो वन में अगर हम कंसोलिडेट करेंगे जैसे आर कॉमन है यहाँ पे भी था तो आर को हमने यहाँ लिख लिया एक ऐसे एक ऐसे तो इससे बना ये हमारा फाइनल चार्ट तो कजिन ऑफ क्यू क्या होंगे मतलब सेम हायर में होंगे कजिन ऑफ क्यू पी एंड आर है ओके इट्स वेरी इजी आई अवज थिंकिंग इंटरनेट एंड कंप्यूटर इससे रिलेटेड वी कैन टेक सम क्वेश्चन एप्टीट्यूड में ही आएगा इफ़ यू से हम सी सी प्लस प्लस के भी सिंपल कोड्स वगैरह भी देख सकते हैं दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ई मेल आप ई मेल सेंड कर रहे हो आंसर राइटिंग कौन सा प्रोटोकॉल है जिससे मैं आपके ई मेल रिसीव कर रहा हूँ आंसर सम ऑफ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रिलम्स का सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज नाइन ट्वेंटी सेवन इज एडेड टू द नंबर तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे द नंबर बड़ा आसान है ये थोड़ा हमारा दिस लॉजिकल रीजनिंग है देर आर एट पोएट्स हैं आठ पोएट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच इन रेस्पेक्ट ऑफ होम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में फर्स्ट फोर हैं वो एंशंट पोएट्स हैं लास्ट फोर हैं वो मॉडर्न पोएट्स हैं क्वेश्चन ऑन एनशियट एंड मॉडर्न पोएट्स इज बींग आज इन ऑल्टरनेट एक बार एंशेंट होगा तो अगले साल मॉडर्न होगा फिर एंशियट होगा फिर मॉडर्न होगा ऐसे होगा पहले चार एंशेंट हैं आखिर के चार मॉडर्न है दोज हु लाइक एच लाइक जी तो जो एच को पसंद करते हैं वो जी को भी पसंद करते हैं दोज हु लाइक डी लाइक सी जो डी को पसंद करते हैं वो सी को भी पसंद करते हैं एग्जामिनर हु सेट्स क्वेश्चन इज नॉट लाइकली टू आस्क क्वेश्चन ऑन डी बिकॉज ही हैज रिटन एन आर्टिकल ऑन हिम तो वो डी से सवाल नहीं पूछेगा बट ही लाइक्स डी लास्ट ईयर अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड ऑन एफ तो आपको बताना है ऑन होम द्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू बी आस्क दिस होगा सो दिस इज दर्ड क्वेश्चन के सवाल हैं दिस इज सोलूशन ये हमने देखा सी सी सुशील चंद्रा साहब सागर परियोजना ज्वेलरी हॉल मार्किंग डब्ल्यू एच ओ एंड दिस इज दिस इज एनिमल्स और इनका ट्रेड इन लीगल ट्रेड राइनोसोरस और ये नाम याद रखना है काजीरंगा पोबीतारा ओरंग मानस और लाखोवा शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं है वैक्सीनेशन ग्लोबल कॉपरेशन बिमस्टेक की कंट्रीज मैंडेट और अभी 25 साल होने वाले क्लाइमेट चेंज नॉइज स्टेप दिस इज अबाउटर बिगनिंग बाबा साहब भारत रत्न आप इनके बारे में आज यहाँ पे नोट प्रिपेयर करिए एंड इंडियन ओशन डायपोल एंड दिस इज फेस्टिवल टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन सो दिस इज much for watching this video take care study well and be safe